नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। लगातार हम इजराइल और हमास की जंग का अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन इस बीच इसी जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर जान लीजिए। इजराइल में भारतीय मूल की 3 महिलाओं की मौत हुई है। एक बार फिर बड़ी खबर दोहरा रहा हूं आपके लिए, भारतीय मूल की 3 महिलाओं की मौत हुई है इजराइल हमास के जंग में। हमास के आतंकी हमले में इन 3 महिलाओं की मौत हुई थी। 2 महिलाएं इजरायली फोर्सेस का हिस्सा थी। हमास आतंकियों के साथ लड़ते वक्त इनकी मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए, ये वो तस्वीरें हैं, उन महिलाओं की तस्वीरें हैं जिनकी मौत हुई है इजरायल हमास युद्ध में। ये लोग भारतीय मूल के थे और हमास से लोहा लेते हुए, हमास से लड़ते हुए, हमास के आतंकी हमले से लड़ते हुए इन 3 महिलाओं की मौत हुई। 3 महिलाएं भारतीय मूल की, 2 महिलाएं जो थी ये हमास से लड़ाई करते हुए और जान गंवा बैठी। अभिषेक उपाध्याय ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इसके बारे में क्या जानकारी है? ये कहां पर लड़ाई कर रही थी, जंग में शामिल थी, और भारत के ये किस हिस्से से थी, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए एबीपी न्यूज पर हम बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो हमास ने अटैक किया था, आतंकी हमला किया था, उसमें 3 भारतीय महिलाओं की मौत हुई है, और उनमें से 2 ऐसी थीं जो कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा थी, और एक इसराइल की पुलिस फोर्स का हिस्सा थी और एक इसराइल की डिफेंस फोर्स का हिस्सा थी, जिसमें कि अगर हम बात करें ओ मोजेस इसराइली डिफेंस फोर्स में ऑफिसर थी, और किम वो इसराइली की पुलिस की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वहां पर ऑफिसर थी, और ये दोनों ही गाजा के पास इनका डिप्लॉयमेंट था जहां पर हमास ने हमला किया, और वहां पर ये हमास से लड़ी हैं, हमास से भिड़ गई उस आतंकी संगठन से। ओ मोजेस भी भिड़ गई और किम भी भिड़ गई, और हमास से लड़ते हुए ये दोनों शहीद हुई हैं। हमारे साथ में देखिए गाल हैं, गाल यहां पर कोऑर्डिनेट कर रही है इनकी फैमिली के साथ में, बार उनसे बात कर लेते हैं। गाल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द 2 इंडियन ओरिजिन गर्ल्स हु फॉट विद हमास, टेल मी अबाउट देम। ओ मोजेस वाज एन ऑफिसर इन द एक्सट्रैक्शन एंड रेस्क्यू यूनिट इन द IDF। शी वाज किल्ड इन द किम बेस after she fought Hamas terrorist, and Kim Dukalker, she was at the party while they killed Kim was in the party, in the rave party. Yes, she was in the rave party, but as her duty, beside the party, she was an officer in the border guard police. She also fought with Hamas? She killed, in her life, she killed many terrorists. She even got an excellence about her she job. She killed many terrorists. Yes, but she killed after Hamas. इतनी बड़ी बात बता रही हैं, ये गाल हैं, और ये कह रही हैं कि किम जो है उसने कई हमास के आतंकियों को मारा। ये भारतीय शेरनियों की कहानी है, और ओ मोजेस भी हमास के आतंकियों से भिड़ गई। भारत की जो ये जो भारतीय इन 2 भारतीय लड़कियों की ये गौरव गाथा की कहानी है, जो कि इसराइल की डिफेंस फोर्स का हिस्सा थी। विवेक, तो ये बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि 2 भारतीय मूल की महिलाएं और वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा थी। ये तो हो गई लड़ाई की बात, अभी हालात क्या हैं इसके बारे में अपडेट दे दीजिए। देखिए अभी की स्थिति ये है वहाँ पर कि जो गाज़ा पर जिस तरह से डिप्लॉयमेंट है गाज़ा पर, वो डिप्लॉयमेंट इजरायली फोर्सेस का वो लगातार और भी ज़्यादा वो वहाँ बढ़ता जा रहा है। री इन्फोर्समेंट जिसे आप कह सकते हैं, लगातार हम टैंकों की कतार देख रहे हैं, लगातार हम जो इसराइल की जो फोर्सेज हैं उनको हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और जो डेडलाइन है, एक डेडलाइन थोड़ी सी और बढ़ाई गई थी उत्तरी गाज़ा के लोगों को दक्षिणी गाज़ा जाने के लिए, वो डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन का इंतजार है, और जिस तरह से इजराइल की फोर्सेस आगे बढ़ रही है उसको देख करके लगता है कि वो तमाम स्ट्रेटजिक पहलुओं को देख रहे हैं, और जैसे ही उनको लगेगा कि सारे स्ट्रेटजी जो है उनके मुताबिक है और वहां से आम नागरिक निकल गए हैं और बंधकों के बारे में कोई एक फैसला हो गया है, वैसे ही वो ग्राउंड इन्वेजन कर देंगे। तैयारी वहां पर पूरी है। अभिषेक, आप जिस जो ये 2 महिलाएं जो भारतीय मूल की जो 2 महिलाएं थी, आप बात कर रहे थे वहां के लेडी ऑफिसर से, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी, तो अभी भी जो जंग चल रही है इसमें भी भारतीय मूल के जो महिलाएं या फिर जो वहां के सैनिक हैं वो शामिल हैं क्या? बिल्कुल हैं, और देखिए हम गाल हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं।
बड़ी बात यह कि अस्दोद एक शहर है, अस्दोद बगल में ही है गाजा के, और वहां पर भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि इसमें शामिल हैं। हम गाल से बात करते हैं। गाल, इन अस्दोद इंडियन कम्युनिटी इन लार्ज नंबर दे लिव इन अस्दोद, सो टेल मी वन थिंग दैट देर आर मोर इंडियन ओरिजिन पीपल इन इजरायली डिफेंस फोर्सेज। According to the India Embassy of Israel, there are currently 85,000 Indian Jews in Israel. In addition, 18,000 Indian immigrants that came here to work or study as a student. So in the south, there are a large community of Indian Jews, and many of them are serving at the IDF. In IDF? In the IDF, yes. Also me, I am a child for two Indian, my parents were born in India, in Mumbai. Your parents were also born in India? Yes. And then you came from Mumbai to Israel? My parents were born in Bamnoli village. Okay. They immigrated here and I was born here. So I served in IDF, also my mother and my father. You also served in IDF? Yes, I also served. Every citizen that came in Israel is need to serve at the IDF. ये देखिए गाल हैं, ये बता रही हैं कि ये भी आईडीएफ में सर्व कर चुकी हैं, और भारतीय समुदाय से काफी लोग हैं जो कि इस आईडीएफ में सर्व कर रहे हैं और जो कि हमास के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हैं। लेकिन ये दो लड़कियां जिस तरह से लड़ी हैं हमास के आतंकियों के खिलाफ, ये हर भारतीय का जो सर है वो गर्व से इसको सुन करके गर्व से तन जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है। तो जैसा गाल ने बताया कि ये मुंबई से जो इनके पेरेंट्स थे वो वहाँ गए थे, ये भारतीय मूल की हैं, वैसे ही वो जो दो लड़कियाँ जिनकी जान गई है इस वॉर में, वो किस इलाके से हैं, इस बारे में कोई जानकारी गाल के पास? जो लड़कियां हैं ये सब महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र से इनके फादर यहाँ पर आए हुए। बारामती से पूछ लेते हैं गाल, देयर पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम महाराष्ट्र? My parents? No, the parents of Kim and Moses. They came from Mumbai and Pune. I don't know where their parents came from, but I know that they are Indian Jews. So one. They are Indian Jews. Yeah. So one of the parents came from India for sure. You call them Ben Israel. Bnei Israel is the name of the Indian Jews community. Yes, Bnei Israel. ये बता रही हैं कि वो भारतीय जो यहूदी समुदाय यहाँ रह रहा है वो उसका हिस्सा है और उनके माँ बाप इंडिया से आए थे, ये श्योर हैं। वो यहाँ बॉर्न हैं, यहाँ पैदा हुई हैं, लेकिन उनके जो माँ बाप हैं वो इंडिया से आए हुए थे। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी आपको बता दे दर्शकों को, कि पहली बार युद्ध में भारतीय मूल के लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। एक महिला जो है, दूसरी महिला जो है वो इजराइल की, ये तस्वीरें देख लीजिए आप, वो हम आपको बता रहे हैं। पहली बार एक महिला इजराइल की सेना में थी और वो हमास के आतंकियों से लड़ते लड़ते जान गंवा बैठी। दूसरी महिला इजराइल की पुलिस में थी, ये बड़ी अपडेट। अभिषेक उपाध्याय हमसे बात करते हुए वहां के खबर निकाल के ला रहे हैं, वहां से ग्राउंड जीरो से, और उन्होंने बताया कि जो महिलाएं थी वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, और उसके साथ साथ ये खुलासा भी हुआ है कि एक जो महिला थी वो आईडीएफ में सर्व कर रही थी, जो दूसरी महिला थी वो वहां के पुलिस में थी। अब उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए हमास से जंग लड़ी और जान गंवा बैठी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सभी महिलाएं थी ये रहने वाली थी महाराष्ट्र की, और अभिषेक हमें ये भी जानकारी दे रहे थे कि अभी भी कई लोग हैं, मतलब भारतीय मूल के वो लोग हैं जो इस समय जंग में उतरे हुए हैं इजराइल की ओर से। अभिषेक, एक और बात, जब खाली कराने के, जो क्योंकि आप अपडेट दे रहे हैं तो ये सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि जो अपडेट लगातार इजराइल कह रहा था कि गाजा के कुछ इलाके को खाली कराया जाएगा, वो कहां पहुंचा ऑपरेशन उनका? देखिए, गाजा से उत्तरी, खासतौर पर उत्तरी गाजा से काफ़ी तादाद में लोग निकले हैं और वो जो खान यूनुस है उस इलाके की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी लोग हैं, खासतौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं गाजा में, वहाँ उन लोगों ने जाने से मना कर दिया है। उन्होंने क्लियर कहा है कि वो इसे खाली नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ से निकल गए। और मैं एक दिलचस्प बात आपको ये भी बताऊँ विवेक, कि हमास ने बाकायदा रोकने की कोशिश की जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और आखिरकार हमास को झुकना पड़ा, क्योंकि हमास इनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वहां रुकने को तैयार नहीं थे। तो एक झड़प भी हुई है उनकी हमास के साथ इसको लेकर के, ये भी एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। ठीक है अभिषेक, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी।
लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं और इजराइल की फौज लगातार गाजा की तरफ बढ़ रही है। इजराइल की ग्राउंड ऑफेंसिव और वहां से क्या स्थिति है, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वहां से लेकर आए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल, दिखाते हैं। एबीपी न्यूज को पहली बार एंट्री मिली है गाजा पट्टी के बॉर्डर की तरफ जाने की। हम इसराइल से गाजा पट्टी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप किस तरह आर्मी की मूवमेंट है। और ये देखिए डेड बॉडीज को, ये देखिए जो शव हैं उनको किस तरह से निकाला जा रहा है, ये इनको पैक करके, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जाका, जो कि बॉडीज को इस तरह से ढूंढकर ले जाता है। ये देखिए ये बॉडीज को जो फेंका गया है, बीच में सैनिकों के भी शव नजर आ रहे थे। अब हम पूरी तरह से वॉर जोन में हैं। इजरायली सेना के जवान हमारे साथ हैं जो लगातार हमें रोड की मूवमेंट दे रहे हैं, लेकिन टैंक्स देखिए, टैंक्स का आना जाना वहां लगा हुआ है। और ये तमाम वो इलाका है जहां पर युद्ध लड़ा जा रहा है, धूल भरी आंधी इन टैंक्स के कारण ही चल रही है और लड़ाकू टैंक लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। और ये मूवमेंट इसलिए की जा रही है टैंक्स की कि ताकि हमास पर जब जमीनी लड़ाई का आगाज करना है तो कहां कहां से कितने कितने टैंक्स घुसेंगे और उनके पीछे से कितनी कितनी फोर्स जाएगी, वो तमाम वही रोड हैं जिन रोड पर हम चल रहे हैं, यहीं से सारा हमला किया जाना है हमास के ऊपर। और हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना की क्या तैयारी है, वो तमाम चीजें आप देख पा रहे होंगे इस वक्त जब ये टैंक दंदनाते हुए उत्तर गाजा के इलाके में प्रवेश करेंगे। तो आतंक पर वो सबसे बड़ा प्रहार होगा क्योंकि इजराइल की नीति सीधी रही है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। और इस दुनिया में भले ही दो देश आपस में टकराएं, लेकिन जब किसी देश से कोई आतंकी संगठन टकराता है तो अंजाम यही होता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि टैंक्स के साथ गाजा पट्टी इलाके में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची हुई है, फॉरेन मीडिया के साथ साथ कुछ लोगों को अंदर घुसने की आज सेना ने इजाजत दी है। सैनिकों के साथ हम इस इलाके में घुसे हैं क्योंकि इस इलाके में आमतौर पर कोई नहीं आ जा सकता। और रास्ते में हमने ना सिर्फ टैंक देखे बल्कि मलबे के अंदर सैनिकों की लाशें भी देखी जिनको निकाला जा रहा था मलबे से। और जो यहाँ के ऑफिशियल सरकारी एनजीओज हैं वो उन लाशों को उठाने के लिए, मलबे की तलाश करने के लिए, इस युद्ध भूमि से उनको बाहर निकालने के लिए काम कर रहे थे। तो युद्ध कितना खतरनाक होता है वो तस्वीर आज नजर आ रही है। ये टैंक्स, ये सैनिक, ये धूल और यहां से गरजते बम, इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कि कितना विनाशक होने वाला है युद्ध। देखिए ये टैंक खड़ा है, इसको एक दो गोले भी लगे हुए थे पीछे और वहां वो हिस्सा डैमेज था, लेकिन सड़क के बीचों बीच इन टैंकों की प्लेसमेंट की जा रही है ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार कहां से हमास पर कितनी बड़ी तादाद में हमला बोलना है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजा बॉर्डर से। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। तो हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। उससे पहले हमने शहादत कनेक्शन दिखाया भारत का कि कैसे भारतीय मूल की तीन महिलाएं वहां हमास से लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठी हैं, जिसमें से दो एक आईडीएफ में थी और एक वहां के पुलिस सेवा में सर्व कर रही थी। इजराइल हमास जंग पर एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। ईरानी प्रेसिडेंट ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा है कि इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हालात मुश्किल होंगे, काबू से बाहर जा सकते हैं हालात। ये ईरान का कहना है, साफ कहा है ईरानी प्रेसिडेंट ने। किससे कहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा है कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हालात मुश्किल होंगे। मतलब वही, इन बयानों से वैसी ही संभावना बनती हुई दिख रही है जिसका डर था कि वॉर फ्रंट और बड़ा हो सकता है, कई वॉर फ्रंट खुल सकते हैं, इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हालात मुश्किल होंगे। यह कहा है ईरानी प्रेसिडेंट ने फ्रांस के राष्ट्रपति से। तो ये है इजराइल हमास युद्ध की अपडेट। आगे आपको दिखाएंगे सीधा सवाल संदीप चौधरी के साथ, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।